आप ये तो जरूर जानते होंगे क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। और आज तक इस पर्वत में 4,000 से भी अधिक लोग अपना झंडा लगाकर, यानी 4,000 से भी अधिक लोग इस पर्वत पर चढ़ चुके हैं और अपना झंडा वहाँ जाके लगा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत, जिस पर आज तक इतिहास में ऐसा कोई भी इंसान दर्ज नहीं है जिसने इसकी चढ़ाई की हो। दुनिया के बड़े बड़े ट्रैकर्स, बड़े बड़े रिकॉर्ड होल्डर्स भी आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाए हैं। कि आप देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती भी जा रही है, और वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, इसके बावजूद भी आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ है, आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसने इसकी चढ़ाई की हो। अगर बात करें कि इसके पीछे कारण कि कैलाश पर्वत तो क्यों लोग नहीं चढ़ पाते, तो यहाँ जो जाने वाले लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो बताते हैं, इस पर रिसर्च किया वो लोग बताते हैं, कैलाश पर्वत तो कुछ ऐसे वाइब्रेशन से, कुछ ऐसे एनर्जी है जो कि इंसानी सोच से और इंसानी दिमाग से परे है। इसी कारण से जो लोग कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते हैं या तो वो पागल हो जाते हैं या तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से आज तक कोई इंसान इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ जो रिसर्चर जाते हैं वो बताते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे एनर्जी और वाइब्रेशंस है, इसी कारण से इसके ऊपर से प्लेन को ले जाया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ प्लेन को रेडार भी नहीं मिलता, जिसके कारण प्लेन का अच्छे से बैलेंस नहीं बन पाता, इसीलिए इसके ऊपर से प्लेन को उड़ाया भी नहीं जाता है। क्या है कैलाश के पीछे का रहस्य कि कोई इसकी चढ़ाई नहीं कर पाता? तो कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पूरा एक एलियन का स्पेसशिप है और यहाँ एलियन आते जाते रहते हैं। और इसके अलावा कैलाश की जो चुंबकीय शक्ति है, जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इसके कारण से इसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु ही माना जाता है। कैलाश पर्वत पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो उसका शिखर स्वर्णिम दिखाई पड़ता है, जो कि एक अद्भुत नज़ारा है। और कैलाश पर्वत को हिंदू सनातन धर्म में एक पूजनीय स्थान माना गया है, इसके कारण ही मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती थी। हाँ, भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करते थे, लेकिन कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और तिब्बत जो कि आज चीन का भाग हो चुका है, इसके कारण से कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रोक दिया गया है। चीन जो कि अपने आप को मिथ बस्टर कहता है और दूसरे देश की जो मान्यता है, जो भावना है, उसको तोड़ने की जो कोशिश करता है चीन, आज तक उसने चढ़ाई करने की प्रयास नहीं किया है। हिमालय पर्वतों के बीच में बसा हुआ कैलाश पर्वत हिंदू सनातन धर्म के लिए हमेशा से पूजनीय रहा है। इतिहास में कैलाश पर्वत की मान्यता बहुत अधिक रही है। विश्वभर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नज़र कैलाश पर्वत पर है कि यहाँ कौन से ऐसे तत्व है और ऐसे तथ्य हैं जिसके कारण से पर्वत इतना चमत्कारी है और यहाँ पे कोई चढ़ाई नहीं कर पाता है। तो अगर हमसे हमारा ओपिनियन पूछेंगे, हमसे हमारा मत पूछेंगे कैलाश पर्वत के बारे में, तो हमसे क्या, पूरे भारतवर्ष से पूछ लीजिए, सभी जानते हैं कि वहाँ कौन निवास करते हैं। कैलाश पर्वत युगों युगों से भगवान शिव का निवास स्थान है, जहाँ भगवान शिव तपस्या करते हैं। और वो अलग बात है कि विज्ञान केवल उन तथ्यों पर विश्वास करता है जो कि सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन भगवान शिव जो हिंदू सनातन संस्कृति में है, वो कुछ ऐसे तथ्यों से परे है जो कि शारीरिक जो क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा परे सोचती है। जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो कि आंतरिक शक्ति होती है, इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, और ऐसे हैं हमारे भगवान शिव। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों? हर हर महादेव, जय शिव शंभू।